पहले भी बात हुई कि इंसान जब किसी के साथ एहसान करता है तो दरअसल वो अपने साथ कर रहा होता है। उसकी एक शक्ल ये है, हदीस में आता है हजरत अबू उमामा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, दूसरों के साथ एहसान करने से आदमी बुरी मौत मरने से बचा रहता है, यानी ऐसे इंसान का खात्मा और अंजाम अच्छा होता है, यानी ईमान पे खात्मा होता है, हादसाती मौत से महफूज रहता है। और दूसरी नसीहत आपने क्या फरमाई, पोशीदा सदका करने से अल्लाह का गुस्सा बुझता है। तीसरी बात आपने फरमाई, और रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने से उम्र में बरकत होती है। अब आप देखिए कि ये उसूल घर से बाहर के लिए तो है ही, अपने घर के अंदर अप्लाई करने के लिए। एहसान क्या है? एहसान है किसी के साथ नेकी करना, अच्छा करना। बाज़ औक़ात उसके साथ तो हम अच्छा करते हैं जो हमारे साथ अच्छा करता है, लेकिन जो हमारे साथ अच्छा नहीं करता हम उसके साथ अच्छा नहीं करते, मुकाबले पे आ जाते हैं और शैतान हमें बुलवा देता है कि इस अच्छाई का फायदा हम ही को मिलने वाला है। लिहाजा कोई हमारे साथ अच्छा ना भी करे फिर भी हमने उसके साथ अच्छा करना है, ये सोच के रखना है, मैंने तो अच्छा ही करना है। वो नहीं करता उसका मामला, उसका मामला उसके रब के साथ, मुझे अच्छा करना है। बाजू का तो ऐसा होता है कि शौहर ही अच्छा नहीं करता तो फिर इंसान गुस्से में आ जाता है, जब ये मेरा ख्याल नहीं रखता, जब ये मुझे टाइम नहीं देता, जब मेरी कोई बात नहीं सुनता तो मैं क्यों इसकी मानू, मैं क्यों इसकी सुनू। तो जवाब हम भी नाराज होना शुरू हो जाते हैं, नतीजा क्या होता है, दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। जब आप ये सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं ये नहीं भी अच्छा करता मुझे अच्छा करना, एक दिन तो इसका दिल मेरी तरफ पलटेगा ना, और वाकई पलटेगा। बस सब्र का इम्तिहान है, थोड़े दिन की बात है। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि लड़की दूसरे घर में नहीं जाती है, वो सब लोग पहले से ही आपस में एक दूसरे से बहुत मानूस होते हैं, और कुछ घरों का आपस का जो नेटवर्क होता है बड़ा स्ट्रांग होता है, वो आपस में बैठते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और ये जो नई लड़की गई होती है वो बस मुंह ही देखती रहती है कि ये क्या हो रहा है, कोई मुझे भी तवज्जो दे, कोई मेरी भी बात सुने, मुझे भी अपना बनाए। लेकिन वो वक्त अभी दूर है कि जब आप इस सब में घुल मिल जाएंगे। कि क्या मसलन शौहर आता है बीवी के पास थोड़ा बहुत बैठता है, लेकिन उसको शुरू से माँ के साथ एक अटैचमेंट है, बेटों की ज्यादा होती है, बेटियों की निस्बत भी माँ के साथ। अब आता है, बैठता है, माँ के हाथ का खाना उसको पसंद है, माँ की शफकत मोहब्बत, तो लड़की उसको महसूस करती है। अब ऐसे में इंसान सिर्फ बदगुमान ना हो, सिर्फ दूसरे को सुनाता ही ना रहे कि तुम मेरे साथ ये नहीं करते वो नहीं करते और तुम वहां ज्यादा टाइम देते और मुझे कम टाइम देते, इस किस्म की बहुत से गिले शिकवे और नाराजगियां दिल में एक लावा भड़काती रहती हैं और फिर किसी वक्त वो फटता है तो हर चीज तबाह बर्बाद कर देता है। तो वो अंदर उसको जगह नहीं देनी चाहिए, उस आग को रोज बुझा देना चाहिए। शौहर बीवी के दरमियान ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि जो दिल के अंदर लावे की तरह पकती रहे। रात सोने से पहले मामलात साफ करके सोएं, माफ करके सोएं। हम औरतों की आदत ही होती है ना, जज्बाती भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं, माइंड भी जल्दी कर लेते हैं, खुश भी जल्दी हो जाते हैं, रो भी जल्दी पड़ते हैं, रोते रोते हंस भी पड़ते हैं, ये सारी चीजें चल रही होती हैं। तो ऐसी सूरत में इंसान थोड़ा सा मैच्योरिटी का सबूत दे, थोड़ा सा सब्र और हौसले से काम ले और हालात के अच्छा होने का इंतजार करे और दूसरे को भी स्पेस दे। किसी का दिल आप ताने देके नहीं जीत सकते। अगर आप रोज शोर को ताने ही देते रहेंगे ना हस्बैंड को, तुम ऐसे करते, तुम ऐसे करते, तुम ऐसे करते, तो उससे वो आपके करीब नहीं आएगा। उसको पता है जो ही मैं इसके पास बैठूंगा इसने मुझे ताने ही देने, वो अवॉइड करने लगेगा। तो बेहतर यह है कि आप उसको जब आए बुला दें, दूसरी बाकी सारी बात अच्छी अच्छी बातें करें। क्योंकि अगर आप हर वक्त बुरी बातें ही कर रहे हैं तो फिर वो सुकून वाली बात तो ना हुई ना, जो अल्लाह ने जिस मकसद के लिए शादी का निजाम रखा है, लितस्कुनु इलैहा। तो ऐसे में इंसान सोचे कि जब मैं किसी के साथ एहसान करूंगी तो मेरा अंजाम अच्छा होगा, अपनी खातिर अंजाम अच्छा होगा, बुरी मौत से बच जाऊंगी। और मौत क्या है? जिंदगी के खात्मे का नाम है, जिसके बाद फिर और कोई चांस नहीं हमारे पास अच्छा करने का। तो उस दिन के लिए, उस वक्त के लिए अच्छा करें।